brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सारा दारोमदार लोग इस पर बैठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत डैमेज हो रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि यूपी में भी सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन दो बड़े राज्यों को आप देख लें, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। तो अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गया, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं, 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है। तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की, कि भाई पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था कि बसपा सपा साथ में लड़े थे और बीजेपी 73 से घट के 62 पे 62 पे आ गई थी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूँगा भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहाँ, उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे, और वो चीज न पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है। 2024 का चुनाव करीब 80% पूरा हो चुका है। इस वक्त सत्ता के गलियारों में तीन थ्योरियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अब की बार 400 पार हो चुका है इसका ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और मोदी जी इस बार आउट टकाटक। और दूसरी तरफ चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें नजर आ रही है और बीजेपी हो सकता है कि 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में ही स्ट्रगल करे। इस वक्त हकीकत आखिरकार है क्या, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन चर्चा करने के लिए और जानने के लिए कि क्या हो सकता है 4 जून को, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, स्वागत है आपका, वेलकम टू इंडिया टुडे आज तक। थैंक यू। तो ये तीन थ्योरियां हैं। कुछ दिनों तक बीजेपी के नेता 400 पार उस तरह से नहीं बोल रहे थे जितना कि फर्स्ट टू फेजेस में बोल रहे थे, थोड़ा सा कम हुआ। एक बार फिर से अब फिफ्थ फेज के बाद पीएम से लेके सारे बोल रहे कि 400 पार हो गए, अब तो हम हो गए 400 पार। राहुल गांधी केजरीवाल बोल रहे हैं कि नहीं, हार रही है एनडीए, बीजेपी आउट हो रही है। और कुछ जो लोग घूम रहे हैं यहां, वो कह रहे हैं कि काफी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, 272 भी नहीं आने वाली। आप इन थ्योरियों में किसको मानते हैं? मैं इनमें से किसी की थ्योरी को नहीं मानूंगा, और ये कोई आज का आकलन नहीं है। पिछले कई महीनों से जब भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूँ, लोगों से बात करी है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है? 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? क्योंकि जो कि देखिए, इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए, पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है, ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी
इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। इन 250-200 सीटों में क्या हो रहा है, इन 225-200 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े, क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा और नॉर्थ और वेस्ट में कोई मटेरियल डैमेज है नहीं। तो एक बार को आप जो विपक्षी नैरेटिव है उसके एनालिस्ट हैं या जो कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए योगेंद्र जी को ले लीजिए, वो कह रहे हैं 268 आएगा, 268 आएगा, 268 अराउंड आएगा, तो अगर उनके नैरेटिव को भी एक बार मान लिया जाए तो भी वो ये तो कह ही रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए, 300 या 400 तो चाहिए नहीं। लेकिन अगर उन आंकड़ों को भी आप देखेंगे तो सारा दारोमदार लोग इस पर बैठा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत डैमेज हो रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि यूपी में भी सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इन दो बड़े राज्यों को आप देख लें, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक ऑपोजिशन के नंबर आए हैं महाराष्ट्र से, लोग कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सीट जीतेंगे। तो अगर 20 से 25 सीट ऑपोजिशन जीत भी जाता है, मान लीजिए कि जीत गया, तो भी आउटगोइंग लोकसभा में तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सिर्फ 23 सीटें हैं, 23 से कम तो तब भी नहीं हुआ, तो बीजेपी का नंबर घटेगा कैसे। कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है, तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की, कि भाई पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था कि बसपा सपा साथ में लड़े थे और बीजेपी 73 से घट के 62 पे 62 पे आ गई थी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहां, उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे हैं, और वो चीज न पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है। इसी तरह बिहार है, जो बड़े राज्य हैं वहां पर ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं भी राजस्थान में 5-7 सीटें हार सकते हैं, हरियाणा में 2-4-5 सीट हार सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे या जनरली पब्लिक डोमेन में कोई ऐसा एनालिस्ट विश्वसनीय नहीं दिखा जिसने ये कहा कि कोई राज्य है जो ऑपोजिशन पूरा सिरे से जीत रहा है, तो नंबर वो ऐड होगा नहीं। और वेस्ट और नॉर्थ, एक बार को राजस्थान में कांग्रेस 3 जीतेगी, 5 जीतेगी, 0 जीतेगी, वो तो समय बताएगा, लेकिन अगर आप वर्स्ट केस भी बीजेपी के लिए मान ले तो इस पूरे रीजन में वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को 50 सीटें हारते हुए मैं नहीं देख रहा हूं, और ईस्ट और साउथ में उनके 20-25 सीट बढ़ रही है। तो मोटे तौर पे उनका स्टेटस को बना रहेगा और दे विल एड सम टू द टोटल विच दे हैड।